लेकिन अब 2024 की तैयारी हो रही है, लास्ट हफ्ता है 2023 का। 2023 मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, थोड़ी वॉलीटिलिटी ज़रूर रही लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए शानदार रहा 2023। मिड और स्मॉल कैप्स ने आपके लिए बहुत पैसा बना कर दिया। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में पैसा नहीं बना, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी पैसा बना। तो 2024 में क्या बड़ी थीम्स रहने वाली है, ये समझते हैं इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह से। ताहिर जी के पास 25 सालों का अनुभव है इक्विटी मार्केट्स में, तो उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से रीड कर रहे हैं सिचुएशन को। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। बताइए, जो 2024 में जो हम एंटर कर रहे हैं, मूड एकदम पॉजिटिव, माहौल एकदम पॉजिटिव, ग्रीड एंड फियर का अगर इंडिकेटर देखें तो एकदम काफ़ी हम शायद पीक ग्रीड के पास हैं, लेकिन इस समय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए 2024 में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो? नमस्कार अनुज जी, आपका भी सीजन ग्रीटिंग्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी एट CNBC आवर्स इन एडवांस। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट 2024, मुझे लगता है कि यस, कंडीशंस आर एब्सोल्युटली फेवरेबल इन मेनी वेज। ग्लोबल कंडीशंस या देखें या डोमेस्टिक कंडीशंस रीजनेबली फेवरेबल है। प्लस जैसे आपको पता है कि वी आर सिटिंग एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल, और जो मोस्टली प्रोबेबलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके घटने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू गोइंग अप और स्टेइंग एट द सेम लेवल। तो आई थिंक कुछ हद तक मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट हमें 2024 से आना या मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद जो भी रिटर्न्स आने हैं 2024 के, वो शायद शायद थोड़े फ्रंट एंडेड हो। उसका मतलब ये है कि मतलब जो भी इस साल का रिटर्न्स, आने वाले साल का रिटर्न्स होगा, मुझे लगता है कि शायद वो पहले ही 6 महीने में आपको मिल जाए, बिकॉज दैट विल बी वेयर मच ऑफ द गुड न्यूज़ विल बी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, या तो पॉलिटिकल आउटकम्स हो या चाहे फिर ग्रोथ के आउटकम्स हो। उन सब का मुझे लगता है कि निचोड़ शायद तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में मिल सकता है। और उस के चलते हुए शायद हमारे वैल्यूएशंस भी कुछ एक हद तक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां पे एक यू नो नॉर्मल रेजिस्टेंस आ सकता है, इन द सेंस कि यू नो इफ यू आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अबाउट 23-24 टाइम्स बाय देन, सो देन आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू फॉर हायर वैल्यूएशंस फ्रॉम देयर ऑन। सो आई थिंक दैट इज द शेप ऑफ द मार्केट जो मैं एनवेसाइज करता हूँ शायद 2024 में। सेकेंड हाफ ऑफ 2024 शायद थोड़ा डल रह सकता है, वी कैन गो थ्रू अ साइडवेज और मॉडेस्ट टाइम करेक्शन एज वेल। ओके, बिल्कुल। तो फ्रंट लोडेड होंगे गेंस, मतलब पहले 6 महीने में शायद आपको ये तेज़ी दिख जाए और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आए। साहिर जी, जहाँ तक बात कुछ बड़े सेक्टर्स की है, IT के लिए साल काफ़ी मिक्स रहा। पहला हाफ काफ़ी ख़राब रहा और दूसरा हाफ काफ़ी शानदार रहा। अब क्योंकि ये सब सेकेंड बिगेस्ट सेक्टर है मार्केट का, इस पर क्या अप्रोच होनी चाहिए? अनुज जी, पिछले 12 महीने में आई थिंक IT के सामने एक जो विडंबना रही है वो ये इस बात की रही है कि आपके पास बिजनेस डील्स वगैरह, डील पाइपलाइन अच्छी रही है जिसे हम सब जानते हैं, और पिछले 2 क्वार्टर में भी मतलब डील फ्लो एटलीस्ट फॉर इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज अच्छा रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन में डिलेज है और रैम्प अप में डिलेज हमने देखे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन जो कंपनीज के साथ रही है, जो कंपनीज ने बताया है, वो ये है कि मतलब इकोनॉमिक माहौल इज समथिंग विच इज कमिंग इन द वे। अब ये जो US में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने की चर्चा अभी शायद ज़्यादा होती जा रही है, जैसे हमने डिस्कस किया, और शायद इसकी लाइकलीहुड भी है, प्रॉबिलिटी भी है कि इंटरेस्ट रेट्स का माहौल सुधर सकता है और इन्फ्लेशन का माहौल भी सुधर सकता है। आई थिंक अगर वो हो जाता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो एग्जीक्यूशन शायद जो रुका हुआ है वो कुछ हद तक मतलब एक्सेलरेट हो जाए। बट कुछ हद तक वो मार्केट ने शायद रिफ्लेक्ट भी किया है पिछले 2 या 3 हफ्ते के जो हमने IT सेक्टर के मूव्स में देखा है। तो एक आई थिंक मिक्स पिक्चर यहाँ पे है। एज ऑफ नाउ वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स स्ट्रेंथन एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न, और अगर मोस्ट ऑफ इट हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू एक वीक इकोनॉमिक माहौल, तो मुझे लगता है कि अगर उसके सुधरने से सेंटिमेंट सुधर सकता है, देन आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू 2025 एटलीस्ट बीइंग अ बेटर ईयर। तो मुझे आई थिंक एक लेवल पे एज ऑफ नाउ आई एम मूविंग विद अ समवॉट न्यूट्रल स्टांस फॉर
आईटी सर्विसेज एंड शायद एक ज़्यादा बोल्ड कॉल हम मिडिल ऑफ 2024 में ले पाएंगे। अच्छा ताहिर जी, इस वक्त आई मीन स्पेशली CY23 के लास्ट क्वार्टर में हम एनर्जी स्पेस में काफ़ी बड़ा मूव देख रहे हैं। आप रिलायंस को देखिए, आप OMCs को देखिए, आप पावर को देखिए, आप कोल को देखिए। 24 के लिए आपका आउटलुक क्या है यहाँ पर? कोल इंडिया को देखिए। आई थिंक एनर्जी शुड बी अ अट्रैक्टिव स्पेस क्योंकि ग्रोथ सेक्टर शायद वो हो सकता है इन 2024 एंड नॉट जस्ट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस गैस बट शायद इवन पावर इफ यू कंसिडर दैट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें मुझे लगता है कि द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कुड बी बेटर। तो आई थिंक प्लस अगर ऑयल प्राइसेस एक लेवल पे न भी बढ़े लेकिन एक एक हद तक अगर वो एक बैंड में रहते हैं या स्टेबल रहते हैं जिसकी मुझे अपेक्षा है या उम्मीद है फॉर 2024, तो आई थिंक ऑयल एंड गैस कंपनी चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो उन दोनों में एक एक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और प्लस इनमें वैल्यूएशंस अभी भी एक कोई ऐसे हद तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत हो। डिविडेंड डील के फॉर्म में भी वो अच्छे खासे प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने। सो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज हैं इस स्पेस में पर्टिकुलरली PSU स्पेस में जहाँ पे हमें अट्रैक्टिवनेस दिख रही है। ओके, एनर्जी स्पेस की बात हुई यहाँ पर। अच्छा, अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत में ही ताहिर जी आपसे आईटी पे बात हो रही थी, डिफेंसिव्स के ही दो धड़े और एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। प्राइस एक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। निफ्टी फार्मा और FMCG में अब मूव्स विजिबल हैं। HUL पार्टिसिपेट कर रहा है, ITC बिल्कुल फ्लैट है, बट टाटा कंज्यूमर ने लीड ली है इस बार, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने लीड ली है। यहाँ पर आपका व्यू फर्स्ट हाफ के लिए एटलीस्ट फॉर CY24? सो गुड क्वेश्चन वीरेंद्र जी। आई आई मुझे लगता है कि मतलब ये जो स्पेस है वहाँ पे दो चीज़ें हैं। आई मीन मैं अगर वो जनरल कंजम्पशन की बात करूँ चाहे वो FMCG हो चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या लो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, वो एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे एक तो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन दोनों का प्रभाव ज़्यादा रहा है ड्यूरिंग मच ऑफ 2023। और शायद ये सेक्टर्स में मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट 18 से 24 महीने का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन साइकिल जो अभी रिवर्स होने जा रहा है तो आई थिंक मिड टू लोअर एंड सेगमेंट ऑफ द मार्केट में ध्यान रखना चाहिए एंड दैट इज वेयर इवन वी आर ट्राइंग टू सी वेदर वी कैन सी वेदर वी कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने कहा मतलब वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा रही है ऑन द अपसाइड एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो सेंसिटिविटी शायद ज़्यादा रह सकती है। तो आई थिंक विद डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन शायद उनमें एक जो जो कंजम्पशन का जोर है वो पकड़ सकता है और वहाँ पे वैल्यूएशन का भी एक लेवल का कंफर्ट है। एब्सोल्यूट बेसिस पे शायद वो चीप ना हो, रिलेटिव बेसिस पे अपने खुद के पास हिस्ट्री के कंपैरिजन में वो कुछ हद तक ज़रूर अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस स्पेस में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है विच कैन आउट परफॉर्म इन 2024। ओके, चलिए फिर एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है। प्राइवेट बैंकों में क्या वरी है इस समय? क्योंकि पिछले एक साल से बड़े प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं बनाया ताहिर जी, चाहे आप HDFC बैंक देख लें, कोटक देख लें, ICICI बैंक जी देख लें, क्या कारण है आपके हिसाब से और यहाँ पर क्या व्यू है? सो आई थिंक यहाँ पे भी मतलब जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से आड़े आया है इस बेसिकली कि निम का जो आउटलुक है या मार्जिन का जो आउटलुक है वो एक तरीके से क्लियर नहीं रहा है एंड आई थिंक दैट मे बी सेट टू चेंज इन 2024 स्पेशली अगर वंस अगेन कमिंग बैक टू द पॉसिबिलिटी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं। तो आई थिंक इन 2023 जैसे हमने देखा कि PSU बैंक्स पर्टिकुलरली वो बड़े बेनिफिशरीज थे इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाने के और उनकी जो वैल्यूएशन की जो गैप थी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो भी कुछ हद तक नैरो हुई है। आई थिंक मुझे लगता है कि दिस माइट चेंज इन 2024 और एक हद तक PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ की जो अपेक्षा है वो मोरलेस सेम हो गई है।
बहुत ज़्यादा अंतर हमें नहीं दिखता है, स्पेशली बॉटम लाइन बेसिस पे, और वैल्यूएशन के भी गैप कुछ हद तक नारो हो गई है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आ, 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 को एक नई तरीके से शायद इन्वेस्टर्स देखेंगे इन 2024। लेकिन एट वन लेवल अनुजी, आई वुड से कि फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए अगर इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो मुझे लगता है कि सिर्फ बैंक्स को शायद देख के या बैंकिंग पोर्शन को देख के शायद इट मे नॉट बी एडिक्वेट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी एक कैनवस थोड़ा अलग होते जा रहा है, लैंडस्केप थोड़ा अलग होते जा रहा है इंडिया में, थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, थैंक्स टू दी ओवरऑल पेमेंट स्टैक। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के रूप में आप उसको देखिए, जहाँ पे सिक्लिकल कंपोनेंट आपको बैंकिंग भी मिलता है, और अब बहुत सारा नॉन सिक्लिकल जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे फिर वो इंटरमीडियरीज हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, एसेट मैनेजमेंट हो, बहुत सारी ऐसी ग्रोथ पॉकेट्स इमर्ज होके आई है। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक व्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे लेना ज़रूरी है आने वाले दिनों में। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू वेरी मच। चलिए एक छोटा सा